और राजस्थान रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शनिवार को प्रदेश भर के साथ ही अजमेर में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर रहे। एसोसिएशन सदस्यों का कहना है कि लंबे समय से रेजिडेंट अपनी मांगों को लेकर सरकार से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर एक बार फिर डॉक्टर्स ने आंदोलन को शुरू किया है। अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिषेक बेधा ने बताया कि दिसंबर 2021 में रेजिडेंट व सरकार के बीच हुए समझौते का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। सेवारत और गैर सेवारत रेजिडेंट डॉक्टर्स के सर्विस ब्रांड को वैकल्पिक रखने, कॉलेज के सभी विभागों में MR के पद सृजित करने, सर्जित पदों में 50% गैर सेवारत व 50% सेवारत डॉक्टर्स के लिए आरक्षित रखने की मांग है। इसके अलावा 2020 बैच के थीसिस पेपर, पोस्ट व प्लेगरिज्म में शिथिलता प्रदान करने, सहायक आचार्य की नियुक्ति की उम्र 46 साल करने सहित 8 सूत्री मांगे हैं, जिसे लेकर शनिवार को जेलिन हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी 8 सूत्री मांग जल्द पूरी करने की मांग रखी है। लेकर क्या आज ये प्रदर्शन है और कितने घंटे का कार्य बहिष्कार? हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर हम आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार है और अगर भविष्य में फिर भी इन मांगों पर सुनवाई नहीं होती है तो हो सकता है हमें और भी कड़े कदम उठाने पड़े। अभी इन 2 घंटे के कार्य बहिष्कार में इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, केवल रूटीन कार्य का कार्य बहिष्कार किया गया। किस तरीके की मांगे हैं? ये मांगे हमारी है कि जो सरकार ने अभी थोड़ी देर पहले एक बॉन्ड पॉलिसी लागू की है, जो पहले नहीं थी। पहले जो बॉन्ड की पालना नहीं कराई जाती थी, हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है कि जो 20 और 21 बैच है, जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब यहाँ बॉन्ड की पालना नहीं कराई जाती थी, तो सरकार से दरख्वास्त है कम से कम इन 2 बैच के लिए बॉन्ड में शिथिलता बरती जाए। और अभी जो 19 बैच पास आउट हुआ है, उसको 4 महीने गुजरने के बाद में भी अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है। तो अगर बॉन्ड की पालना भी करवाते हैं तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि पहले दिन से ही उनको रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर होता है, उसके भी परिवार होता है, उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, तो उसको भी रोज़गार की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी बाकी सबको होती है। और दूसरा, सरकार ने अभी एक ऑर्डर निकाला था जिसमें जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं राजस्थान के, वो SRCP पढ़ने से वंचित हो रहे हैं उस ऑर्डर के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि इन सर्विस डॉक्टर्स को भी बराबर का हक मिले, जिससे वो भी आगे मेडिकल कॉलेज में जा सके और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकें। और तीसरा, जो हमारी 1 साल पहले हड़ताल हुई थी, उसमें 3 बिंदु ऐसे थे जो सरकार ने अभी तक नहीं माने। लगातार वार्ता चल रही है लेकिन उस पर कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो इस प्रकार से कुल हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, तो हम चाहते हैं इन पर जल्द से जल्द क्रियान्वित हो और हम अपने काम पे सुचारू रूप से लौट सकें। सर, विगत एक साल से आप प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, तो किस तरीके का सरकार सिर्फ भरोसा ही दे रही है? आगे यही कदम रहेगा कि संपूर्ण कार्य बहिष्कार ही आगे कदम है और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता इसके अलावा। डॉक्टर अभिषेक आर्य, प्रेसिडेंट जेलन अजमेर।